रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। खुल गए स्कूल, खिल गए चेहरे। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के अभिभावक भी स्कूल खुलने पर खुशी जताई। केंद्रीय विद्यालय गोरा बाजार में प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए विद्यालय में शिक्षण प्रारंभ कर दिया गया। 1 सितंबर से बच्चे विद्यालय आना शुरू हो गए हैं। लगभग 5 माह से विद्यालय से दूर बच्चे पठन पाठन और विद्यालय के परिवेश से दूर हो गए थे, वही अब विद्यालय खुलने से उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। पुराने दोस्त साथी और विद्यालय के अंदर सर और मैडम से मिलकर बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों का कहना है कि विद्यालय आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, हम विद्यालय रोज जाएंगे, अब स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एसके अग्रवाल का कहना है कि लगातार स्कूल आने वालों की संख्या बढ़ रही है, मैंने बच्चों से बातचीत की है, हमारे समस्त स्टाफ कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, विद्यालय में बच्चों के आगमन से बहुत अच्छा माहौल बना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है और विद्यालय में प्रवेश करते ही गेट पर सर्वप्रथम थर्मल स्कैनिंग करके ही बच्चों का अंदर आने दिया जाता है। विद्यालय के अंदर उचित दूरी बनाकर और क्लास में गाइडलाइन और अनुशासन के साथ शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए अभिभावकों से संपर्क बनाकर कार्य किया जा रहा है और उनकी सहमति पहले ही ले ली गई है। अभिभावक संजय कुमार गौतम का कहना है कि बच्चे घर में बोर हो गए थे, घर में कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अब स्कूल आए हैं मन बहलेगा। एसके सिंह का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही है, डर तो सभी पेरेंट्स को रहता है, कुछ हिम्मत रखना चाहिए, बाकी भगवान के हाथ में है, जो होगा अच्छा ही होगा। वही चैनल ने कुछ बच्चों से भी बातचीत की, बच्चे भी स्कूल आने पर खुशी जताई। तो बताया बच्चों ने बताया कि स्कूल जाने पर मास्क पहनना जरूरी है और सैनिटाइजर किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना उत्पन्न होने। पर्चे दे दिया, काफी दिनों बाद स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है? या कोई डर तो मन के अंदर नहीं है आपको? मैं एसके सिंह आज बच्चों को छोड़ने आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुला है। स्कूल खुलना ज़रूरी है क्योंकि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उससे बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही, कभी नेटवर्क नहीं रहता है, इनका बहुत ख़राब हो रहा है। उस मेरे हिसाब से स्कूल खुलना चाहिए और अच्छा लग रहा है कि COVID-19 जल्दी ख़त्म हो, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। नहीं तो, लेकिन जैसे इधर पेशेंट बढ़ रहे हैं, स्कूल सरकार ने खुलवा दिया है, इधर कोई मन के अंदर कोई डर या कोई वो तो नहीं कि हाँ? डर तो हर पेरेंट्स को रहता है बच्चों को देख करके, लेकिन कभी कभी कुछ हिम्मत भी रखना चाहिए, बाकी तो ऊपर भगवान के हाथ में है, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा जी, आज स्कूल खुले, आज 3रा दिन है, कैसा लग रहा है आपको बच्चे को? बहुत अच्छा लग, मेरा नाम संजय कुमार गौतम है, मेरा बच्चा 1st क्लास में है, 2 दिन से कल भी आया आज आया, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल खुले में, सारे बच्चे आ रहे हैं, घर पे बैठे बैठे सब बोर हो गए थे, घर पे कोई पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पा रही थी, अब स्कूल आए थोड़ा जो है मन बहलेगा और पढ़ाई भी होगी, बहुत अच्छा फैसला है ये। कितने बच्चे? एक बच्चे पढ़ रहे हैं, दो? एक बच्चा है सर। आज 3रा दिन है, स्कूल खुल गया है, प्राइमरी बच्चों की संख्या क्या बढ़ रही? कितने बच्चे पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, क्या है इनकी संख्या? प्राइमरी विभाग में बच्चे की संख्या निरंतर बढ़ रही है, पहले दिन बच्चे कुछ संख्या में कम थे, माँ बाप में उनके माता पिता में कुछ हेजिटेशन था कि बच्चों को भेजें या ना भेजें, लेकिन जब बच्चों ने आना शुरू किया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैंने स्वयं कई बच्चों से बातचीत की और सभी बच्चे बहुत खुश थे, यहाँ तक कि क्लास 1 में बच्चे जो 1st टाइम स्कूल आ रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि उन्हें स्कूल आना है और पढ़ाई करनी है। बच्चे आपस में भी एक दूसरे के साथ काफ़ी बातचीत करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे, मास्क सभी बच्चों ने लगाया हुआ था और कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं। नहीं, सुबह पेरेंट्स से बात हुई, वो लोग भी थोड़े संतुष्ट दिखाई पड़े है ना, और बच्चों से भी बात, वो भी खुश हैं। क्या यहाँ का जो स्टाफ वो मतलब पूरा वैक्सीनेटेड है? केंद्रीय विद्यालय रायबरेली के सभी शिक्षक और कार्यालय कर्मचारी फुली वैक्सीनेटेड हैं अथवा पार्शली वैक्सीनेटेड हैं और उनका जैसा जैसे डेट आ रही है वो अपने आप सेकंड डोज लगवाई जा रही है।
तो विद्यालय में सभी कोई भी स्टाफ बिना वैक्सीनेशन के नहीं। बच्चों एक कमरे में क्लास में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? हमारी एक कक्षा में लगभग 40 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केवल 50% बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो लगभग 20 से कम ही बच्चे होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जिनकी कंसेंट नहीं आई है वो नहीं आ रहे हैं, तो कंसेंट लेकर ही बच्चे आ रहे हैं। और 15-16 बच्चे लगभग हर क्लास में बैठते हैं, और एक सीट पर एक ही बच्चा बैठता है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठता है, और टीचर ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो है जो नियमों का पालन करें और ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से हमें बाद में कोई परेशानी हो। पेरेंट्स को आप जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? प्राथमिक विभाग के जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बच्चे स्कूल में आकर ही ज़्यादा सीखते हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे इन बच्चों की पढ़ाई आकर के देखें और उसके बाद अपने पालियों को भेजने के बारे में भी सोचें और यथासंभव उनको ऑफलाइन क्लासेस के लिए भेजें। प्राइमरी के कितने बच्चे हैं टोटलिंग संख्या और कितने बच्चे आ रहे हैं थोड़ा सा इस पर जानकारी? हमारे पास क्लास 1-5 में लगभग 1000 बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 650 अभिभावकों ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन उसमें से 50% को बुलाया जा रहा है, तो 350 के लगभग बच्चों को एक दिन आना होता है, और किसी वजह से कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं तब भी लगभग 300 के आसपास बच्चे हमारे पास प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या क्लास जो क्लास चलती हैं उसके अलावा ऑनलाइन भी पढ़ाई दोनों एक साथ हो रही है? ऐसा भी कह रहा है कि हमारे पास ब्लेंडेड मोड में पढ़ाई हो रही है, यानी जब टीचर्स बच्चों को ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं उसी समय वो अपने मोबाइल लैपटॉप या और दूसरी गैजेट्स की हेल्प से जो बच्चे घर पर हैं उनको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो एक ही समय में हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं।